आपने होमवर्क किया या नहीं, नहीं बोल रहा हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे लोग अपना नाम बताएंगे इन फर्स्ट क्वेश्चन. बेटा कितने बच्चों को प्रॉब्लम आया इन फर्स्ट क्वेश्चन? यस, इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन बेटा कितने बच्चों को प्रॉब्लम आया है? कुछ बोलना है बच्चों किसी को प्लीज? नो सर. Those who have not attempted, no, I'm not talking about them, but those who attempted. Okay, चलिए फिर भी मैं इसको करवा रहा हूँ. आप लोग प्लीज क्रॉस चेक करिए. और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पेन भी नहीं चलाया कॉपी में एंड दे आर इन 12th क्लास, प्लीज काइंडली कॉन्सेंट्रेट हियर. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आपको आपकी फाइल दिखानी पड़ेगी. चलिए हम यही फाइल मान ले, फाइल दिखानी पड़ेगी syllabus.txt. तभी उस फाइल में से हम लोग पहले आउटपुट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तभी आप लोग को आइडिया लगेगा. अदरवाइज यू विल बी नॉट एबल टू. ओके, सिलेबस, देयर इज नो फाइल विद द नेम सिलेबस. सो SYLLABUS. सो इन दिस सिलेबस फाइल, there is one more file, syllabus. अच्छा नीचे है. okay, so file is here and our question is write a program to count how many words starts with vowel. word मतलब w-e-v. is it started with vowel? no. copied is started with vowel? no. Answers is started with vowel? No. From is started with vowel? Answers. Sir, answer is started with answer, vowel. Answer. Okay, so counting will be one. From, no. Others, yes. Two. Yes, two. Almost, yes. Yes, three. Sir. All, yes. Four. So yes, like that only. Clear? So like that only. So four words are started with vowel. तो हम इसी फाइल को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को करेंगे, इस फाइल को देखेंगे और प्रोग्राम को बनाएंगे. सो बच्चों, आई विल प्रिपेयर इट विद द हेल्प ऑफ फंक्शन void read file function I am preparing colon, then right hand side of it rd is equal to. अगर किसी भी बच्चे को नहीं आ रहा है, इन बिटवीन प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड स्पीक अप. Open inverted quotes d colon double slash, what is the name of the file? Syllabus. dot txt. Yes. Which mode beta we are going to use? Which mode? Read. R. Okay, ab bachcho hame isme se ek baat to pakka hai, first character dekhna hai, but usse pehle hame har ek word ko dekhna hai. So s is equals to rd dot read. बेटा एस में क्या आ जाएगा? लाइंस. नो, नॉट लाइंस, कंप्लीट फाइल. दिस कंप्लीट फाइल विल बी स्टोर्ड इनसाइड व्हिच वेरिएबल बेटा जी? एस. एस, जैसे हनुमान जी वो संजीवनी बूटी के चक्कर में पूरा पहाड़ ले आए थे ना, तो वैसे ही ये पूरी ऑल फोर लाइंस, लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, लाइन फोर will be stored inside S. Now, अब उसमें हमें we have to read single single word. We have to read single single word. So what I will do? D is equals to S dot split. Dot split. Okay, S dot split. So split आएगा. Okay. Split होगा. So अभी आप देखिए आपके list में each and every word will be converted as a string inside your list. Yes or no? List. Yes, okay. Sir. Yes, sir. आवाज आ रही है, kindly close your mic. Please read file now. Now I will run it.
ये देखिए, यस डब्ल्यू ई सिंगल वर्ड कॉपीड आंसर्स फ्रॉम लिस्ट में सिंगल सिंगल वर्ड बन गया स्प्लिट लगाने की वजह से। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फेच ईच एंड एवरी वर्ड। सो स्टूडेंट्स V is equals to A E I O U. Please इसको अच्छे से समझिए, because आज जो मैं homework दूंगा that will be based on our today's discussion. Okay बेटा जी? Yes sir. Okay sir. I N D. अब बेटा I में क्या आएगा बच्चों सबसे पहले? Tell me. What I will fetch? V. I will fetch V. So Ram Lakshman is not present. Hardesh is not present. And Prashant Vipin is there. Okay, right. Ram Lakshman or Hardesh ko ek message dal do beta koi. Now. So beta I mein kya aayega bachcho? Pehle aap log ko ye pata hona chahiye. Rahul sir ne ye loop lagaya hai. To I ke andar kya aayega beta? I ke andar isme se V aayega. फिर आई के अंदर कॉपीड आएगा। अब बेटा वी और कॉपीड किस लोकेशन का कैरेक्टर चेक करेंगे? जीरो 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 लोकेशन का चेक करना है। सो आवर स्टेटमेंट शुड बी इफ आई ऑफ जीरो इन जीरो इन वी 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 आई ऑफ जीरो इन वी। तो बेटा c इज इक्वल टू c प्लस वन। c हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे काउंटिंग के लिए। c इज इक्वल टू जीरो। नाउ बेटा बिफोर rd डॉट क्लोज वी विल राइट हियर प्रिंट व्हाट बेटा जी? c प्रिंट c। यस सो सी रिजल्ट इज 4। एनी प्रॉब्लम बच्चों इन दिस प्रोग्राम? नो सर नो सर। इफ एनीवन वांट्स ही और शी कैन टेक द दैट मींस स्क्रीनशॉट आल्सो ऑफ दिस वन If you wish, वैसे मैं लेक्चर डालूंगा बट स्टिल इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट प्रोग्राम। शैल आई मूव ऑन टू नेक्स्ट? और किसी को कुछ पूछना है? Yes, sir. कुछ पूछना है किसी को? No, sir. No. No, sir. Our next program, write a program to count how many lines starts with vowel. How many lines start with vowel? Program बाद में, पहले अपनी फाइल देखो। So tell me students, how many lines starts with vowel in this one, beta? One. But one. You need to say first one. We have to read this line, then this line, then this one line, then this one line, and we need to check which location character only or only. Zero. Zero. Correct. So I will write here for I in RD. For I in RD. V is equals to A E I O U. A E I O U. Correct. If I mein kya aaya? Tell me now. Wait a minute, okay, this is your file. As per this file, now this time, I ke andar kya aaya bachcho? First line. We copied answers from others. Puri line aa gayi. Others. So we have to check if I of zero. In V. Then beta, we need to count. C is equals to zero. C is equals to C plus one. Then later one. On, print. C. Print C. One line only. So students, any problem in this one program? No sir. No sir. No sir. Other also reply other. All top to bottom. All students. Sir. No, sir. Yes, beta. No, sir. No, sir. Okay. Now, this one is over. This one, if you want to take a screenshot, please. Now we are moving on to our next program. A equal to RD dot read line one.
हाँ चलो उससे भी करके दिखा देते हैं. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. आई एम डूइंग विद दैट वन बेटा, नो प्रॉब्लम. यू कैन डू विद दैट वन ऑल्सो, इट इज ऑल्सो गुड. देयर इज नो प्रॉब्लम. एस इज इक्वल्स टू स्पेस वाइल एस, वाइल एस मतलब जब तक एस को वैल्यू मिलती रहे. नाउ एस इज इक्वल्स टू आर डी डॉट रीड लाइन बिकॉज इट इज गुड. इन बोर्ड ऑल्सो दिस वन ओनली विल कम इन द केस ऑफ लाइन वाइज इफ s of 0 in v c is equal to c plus 1. Print what beta g c. Okay, अभी देखिए अभी इसमें एक एरर आया है एंड यू नो दिस प्रोग्राम इज परफेक्ट. डोंट थिंक कि प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है. पता है ये एरर क्यों आया है? डू यू वॉन्ट टू नो? यस सर. देखिए मैं ये कंडीशन yes, अगर नहीं भी लगाता हूं देन ऑल्सो then you will see it will print whole file, error will not be there, it will print whole file. Yes, it is printing. Now the thing is why this error is coming unnecessarily. Error is coming just the reason is, आपको reason बता देता हूँ. इसमें आप लोग if s लगा देना यहाँ पर. अब आप लोग बोलेंगे now please, जिसके भी घर से आवाज आ रही है please. अब आप लोग बोलेंगे सर आपने ये इफ एस क्यों लगाया? देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले एस के अंदर वाइल एस में क्या मिलेगा? सबसे पहले वाइल एस में क्या मिलेगा टेल मी. स्पेस. स्पेस सो दैट मींस इट इज नॉट एम्प्टी. ये अंदर आ जाएगा. फिर एस के अंदर क्या आएगा? फर्स्ट लाइन. लाइन बोलो. वी कॉपीड आंसर्स फ्रॉम अदर्स. वेरी गुड. ये लाइन आ जाएगी. वो चेक करेगा यहाँ. यस एस के अंदर डाटा है. एस ऑफ जीरो इज नॉट स्टार्टेड विद वोवल. फिर एस के अंदर क्या मिलेगा जब ये अगेन री अगेन यहाँ आएगा तो एस के अंदर क्या मिलेगा? सेकंड लाइन ऑलमोस्ट. सेकंड लाइन कैसे आ जाएगी? सेकंड लाइन कैसे आ जाएगी? सेकंड लाइन तो स्पेस क्यों आएगा? एस के अंदर क्या था? वी कॉपीड आंसर फ्रॉम अदर्स. जब यहाँ रीड किया था तो एस के अंदर वी कॉपीड आंसर्स फ्रॉम अदर्स यही तो था. यस यस सर. तो एस के अंदर क्या मिलेगा? वी कॉपीड आंसर्स फ्रॉम अदर्स अंदर आ जाएगा. फिर जब वो आर डी डॉट रीड लाइन लगाएगा तो एस के अंदर ये वाली लाइन आ जाएगी ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स कॉपीड. फिर इफ एस, फिर एस ऑफ जीरो को चेक करेगा. यस वोवल एस इज इक्वल टू सी प्लस वन हो जाएगा. अगेन ऊपर जाएगा. एस के अंदर क्या मिलेगा? Almost all answers copy. Students copy. Yes. फिर आएगा s is equal to rd dot read line. Next time we will write honestly. S of zero को check कर लेगा. No problem. ऊपर जाएगा. फिर s के अंदर क्या मिलेगा? Next time we will write honestly. Next time we will write honestly. Yes. उसको भी check कर लेगा. फिर sorry उसको जब वो फिर read line करेगा तो उसके अंदर आ जाएगा we will study. We will स्टडी. उसको चेक कर लेगा. फिर ऊपर जाएगा. एस के अंदर क्या मिलेगा? वी विल स्टडी. अंदर आ जाएगा. फिर जब वो रीड लाइन करेगा तो एस के अंदर क्या आएगा? अब आप बोलेंगे सर उसके आगे तो कुछ है ही नहीं तो एस के अंदर कुछ नहीं आएगा. सो माई डियर स्टूडेंट यू आर करेक्ट. उसके आगे कुछ नहीं है और जब फाइल के आगे कुछ नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? पढ़ो इसको. क्या बोलते हैं बच्चों? EOF. What is the full form of EOF? End of. End of file. File. तो बेटा जब उसने rd dot read line लगाया s में तो उसको क्या मिला? End of file, right? File. अब मैंने क्या था? मैंने if s तो लगाया नहीं था. तो जब s के अंदर कुछ आया ही नहीं तो s of zero को वो check कर पाएगा क्या? Yes, sir. He cannot check s of zero because inside s there is nothing. S के अंदर कुछ भी नहीं है. तो वो s of zero पर check करेगा क्या? So that is why only error came. और अगर आपको उस error से बचना है, so before this condition you need to put if s. जब आप if s लगा देंगे तो वो देखेगा अरे s के अंदर तो कुछ नहीं है. तो वो इस condition पर नहीं आएगा. Okay?
ओके सर तो रन करवाते हैं स्टूडेंट्स नाउ सी नाउ इट इज गिविंग यस सर सो यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस नाउ यस सर यस सर सर रीड लाइंस से नहीं हो सकता क्या सर ये प्रोग्राम रीड लाइंस से भी हो सकता है ये प्रोग्राम तीनों तरीके से हो सकता है अब देखिए अगर आप रीड मैंने क्या बोला द फर्स्ट वन मैंने जिससे किया था इट वाज सो इजी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया थोड़ा सा अगर आपको ये रीड लाइंस से करना है तो देखिए कैसे करेंगे सपोज एस इज इक्वल्स टू आर डी डॉट रीड लाइंस आपके लिए जो इजी मेथड है आप उसको पकड़िए सॉरी मैंने एस को प्रिंट नहीं करवाया बिकॉज पहले आप एस को प्रिंट करवा लीजिए अब देखिए रीड लाइंस से करने से क्या होगा आपके लिस्ट में एवरी लाइन आ जाएगी अब आपको लिस्ट में से क्या क्या उठाना पड़ेगा सिंगल सिंगल लाइन तो आपको लूप सबसे फर्स्ट लूप बेटा जी आप क्या चलाएंगे फॉर आई इन एस एस आई में क्या आएगा टेल मी What I will receive? We copied answers from others. List में से, list में से. अब आप लोग लिखेंगे if I of zero in V. If it is true, C is equal to C plus one. So in the comparison, in the comparison of this one, that first one process is too easy. Am I right? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Now we are going to our next program. Write a program to count how many lines in file syllabus.txt. अगर आपको ये प्रोग्राम करना है तो आप रीड लाइन्स से जाइए रीड लाइन्स में टेल मी हाउ मेनी एलिमेंट्स इन योर लिस्ट जस्ट काउंट बेटा एलिमेंट नंबर वन फ्रॉम अप टू हियर एलिमेंट नंबर टू एलिमेंट नंबर थ्री एंड एलिमेंट नंबर फोर आप उस लिस्ट की क्या निकाल लीजिए लेंथ Yes or no? Yes. S. सबसे easiest method. सबसे easiest method. अगर आपको ये method दिमाग में नहीं आता है, see four is coming. अगर आपको ये method दिमाग में नहीं आता है, then in that situation you can go with simple one. For मैं कुछ जल्दी जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ. I N S. Then beta g, c is equals to 0, c is equal to c plus 1, then later on. Sorry, ins नहीं लिखना चाहिए था, inrd, so that it will fetch single line ना, and उसके अंदर हमने काउंटर लगा दिया फोर एनी प्रॉब्लम नो सर तो पहला वाला इसका तरीका समझ में आ गया दूसरा वाला दोनों तरीके समझ में आ गए या पहला वाला दोबारा बताऊं आ गया सर आर यू ऑल श्योर यस सर बॉयज यस सर ओके तो चलिए हम लोग थोड़ा सा फिर से आगे बढ़ते हैं नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोग्राम एंड दिस प्रोग्राम इज काउंट हाउ मेनी टाइम्स वर्ड क्रिकेट प्रेजेंट इन फाइल syllabus.txt एज आई नो दैट देयर इज नो क्रिकेट वर्ड इन आवर फाइल सो आई प्रेफर टू गो विद सम अदर वर्ड आई विल गो विद विल एट द प्लेस ऑफ क्रिकेट बिकॉज विल इज प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स ना Yes or no? So, yes, sir. I'm telling you very straightly the easiest method, which is in my eyes, that one is S is equals to RD dot read. What RD dot read will do? Whole content of file. फिर हमें जब वर्ड को कंपेयर करना है सो D is equals to S dot split. Am I right? फिर आप उसमें से एक एक वर्ड को फेच करेंगे फॉर आई इन डी सो टेल मी
कि सबसे पहला वर्ड क्या आ जाएगा आपकी फाइल में से? वी देन देन कॉपीड कॉपीड सो हियर यू कैन राइट आई इक्वल इक्वल्स टू विल सी इज इक्वल टू सी प्लस वन प्रिंट सी very easiest and very straightforward method two times is it okay or any problem beta in this one no sir no, no sir. Sir if you want to take a screenshot please no sir okay. Now we are moving on to next one write a program to count how many words are palindrome sir. Palindrome pata na ha sir Yes. इसे सर एक और मेथड से भी तो कर सकते हैं सर ऑब्वियसली आप इसे और भी किसी मेथड से कर सकते हैं बट मैंने इस मेथड को क्यों लिया बिकॉज डी डॉट काउंट डी डॉट काउंट विल हाँ आप काउंट भी डी डॉट काउंट विल वेरी गुड देखो इसने इससे भी शॉर्ट मेथड बताया है देखो जब तक आप मैंने इसीलिए बोला था स्ट्रिंग के फंक्शन रिवाइज कर लो चलिए मैं आपको इससे भी शॉर्ट मेथड जो ये बोल रहा है सुनिए print d dot count so you need to just learn beta functions and you need to write in your copy see isse bhi easiest ho gaya ki nahi ho gaya now we are moving on to next one how many words are palindrome palindrome kya hota hai Is there any word first to last and from last to first is same? इसमें से कोई palindrome है क्या भाई? No sir. चलो हम एक ऐसे ही डाल देते A is palindrome. इधर डाल देते A B A. This is also palindrome. So बेटा आपको पता है कि पूरी फाइल रीड करनी पड़ेगी और स्प्लिट तो करना पड़ेगा Yes or no? Yes sir. Yes, sir. For I N D. For I and D. फिर if I I मतलब I में क्या आ गया Tell me I में क्या आया V और हमें compare करना है V को EW. We need to compare our V this V equal equals to my dear students EW. तो इसको reverse करना पड़ेगा So V equal equals to I colon colon minus one is it okay yes sir yes sir here this is c equals to zero and here my dear students I am writing not a sign of exclamatory this should be one and here I will write print c it will be okay yes sir yes sir yes problem no sir okay fine very good Very good, very good. Now next program. Write a program to count how many characters are upper, how many are lower, how many are digit in syllabus.txt. I know at present I think there is no one, only lower is there. There is no upper one, na? So hum isko upper kar dete Yes, sir. We will do this one also in upper, and I prefer to induct few digits also, zero also in it. Okay? Any problem? No sir. No sir. So, बच्चा इसमें आप ये बताइए इस फाइल को जब रीड करना है, so which method will be convenient for us to read this whole the whole content of this file? Tell me. Read lines. I don't think so. Only read beta. Because सबसे पहले read, yes, sir. Read sir. Read. मुझे ये बताओ सबसे पहले इस फाइल में से आपको क्या रीड करना है? Tell me. I'm waiting. Which character sir? V. W. W. Only W. W के बाद? E. के बाद? Space. Space. So just write here for I in
एस फॉर INS. अब INS S में तो पूरी स्ट्रिंग आ गई, वी कॉपीड आंसर फ्रॉम अदर ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट, ये पूरा आ गया. तो I में क्या आएगा सबसे पहले, स्प्लिट तो मैंने लगाया नहीं है, तो W E तो आएगा नहीं, ओनली W obviously. Now if I dot is, आओ भाई is अपर I नहीं रहा, देखो कितना बेकार है, is अपर. तो बेटा जी a is equals to a plus 1, l if I dot is lower, so बेटा b is equals to b plus 1, l if, don't write else, else लिखेंगे तो वो special character भी हो सकता है my dear, is digit, so c is equals to c plus 1, now print a comma b comma c. oh no, some problem is there, kyunki isne upper, acha maine save nahi kiya, I am sorry, mujhe save file ko save bhi to karna padega, then only it will work. Now I saved it, abhi dekhenge. Yes, changes are here. Yes, sir. अभी आप फाइल में से भी देख लीजिए, ओनली टू करेक्टर्स आर अपर, दिस W एंड वन मोर वॉज ना A. A. हाउ मेनी डिजिट्स, 2 7 0 8, इट मींस एनी प्रॉब्लम? नो सर. नो सर. तो मिया, सो नाउ स्टूडेंट्स आर नेक्स्ट प्रोग्राम, find sum of all digits. So beta g, if they are saying find sum of all digits, to beta read to single character hi karna padega, yes or no? Yes, yes, sir. Yes sir. Bas digit ka sum karna hai, so there is no need to use so many of these variables. Ab kaise karenge, a is equals to a plus i, it will be okay? No sir, interfile. हाँ, क्योंकि वो I में वो digit जरूर है, but है तो वो string type ना, so we need to convert into. Yes sir. Int. Integer. Print. Oh sorry, print a. Sorry जी, sorry. So done. Yes sir. Okay बच्चों, now last one program. Write a program to display all non-vowel characters in file syllabus. Non-vowel characters, मतलब that means which are not vowel. तो बहुत easy question है, यही कुछ करना पड़ेगा. यहाँ हम लगाएंगे v is equals to a e i o u, my dear, a e i o u. That's it. If I not in. Not in V. तो उसको क्या लगा दो, ओनली प्रिंट. इज इट ओके बच्चो, इज इट ओके? यस. प्रिंट आई कहाँ आएगा, लूप के अंदर, इफ के अंदर. आज मैं कुछ ऐसे ही प्रिंट लगा दिया ना, तो वो हर चीज को नेक्स्ट उसमें करेगा, आई एम सॉरी. एंड इज इक्वल्स टू ओके, ऑल नॉन वॉवल करेक्टर्स आर हियर. Is it okay? Yes, sir. So today I will give you homework based on this one program, this kind of program. Okay? जैसे जितने भी लोअर केस करेक्टर्स हैं, उनको अपर में प्रिंट करो, अपर केस करेक्टर्स को लोअर में प्रिंट करो, सो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो दिस वन यू ऑल कैन नोट डाउन. नाउ हियर आई एम राइटिंग. स्टिल यू ऑल प्लीज गिव योर अटेंडेंस, तब तक मैं प्रोग्राम्स लिख रहा हूं, प्लीज गिव योर अटेंडेंस.
हरे आप अभी आप लोग यही करिए, kindly take the screenshot of these programs, just do this one, these one only. फिर मैं आप लोगों को अगर एक दो प्रोग्राम और मिलेंगे टेक्स्ट के तब आप लोग को भेजूंगा, ठीक है? रीडिंग से ही रिलेटेड, इसमें किसी में भी राइटिंग नहीं है, ओनली रीडिंग है. प्लीज स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर. मुझे ये प्रोग्राम आप आज ही भेजेंगे, रात तक भेजेंगे, देयर इज नो टाइम लिमिटेशन, ओके? बट आज ही भेजेंगे, देयर विल बी नो टुमारो फॉर योर होमवर्क, ओके? ओके सर. ओके और जितना भी मैंने सॉल्यूशन बताया है आज, पहले उसको मेरा वीडियो देख करके कॉपी में नोट डाउन कर लो, उसके बाद में बेटा होमवर्क करना, ओके? ओके सर. तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट. Thank you, sir.